अब खबरें विस्तार से। देश के प्रथम सीडीएस जनरल स्वर्गीय विपिन रावत की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय विपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी ने यह संकल्प लिया कि जनरल विपिन रावत के सपने पार्टी और सरकार उनके सपनों को पूरा करेगी। इस अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा इस पर कि पार्टी हर वर्ष स्वर्गीय विपिन रावत की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। जैसे बहुत जनरल विपिन रावत जी की इस एक वर्ष पूर्व उनका जो समय दुर्घटना में ध्यान हो गया था, आज एक वर्ष पूर्व होने के अवसर पर उपस्थित श्रद्धांजलि सभा में अभी हम सब लोग इनको सुन रहे थे। हमारे वो एक साल पहले जिस दिन यह घटना घटी वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा था कि जैसे बहुत कुछ हमारा हमसे दूर चला गया। और मैं बताऊं आपको कि मैं जब भी जनरल रावत साहब से मिला तो क्या जिंदा दिल इंसान थे। पहली बार जब वो मुझसे मैंने उनको फोन किया था तो मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि सर आप नहीं, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। और आए और कुछ बातें उन्होंने ऐसी करी कि मेरे अंदर भी, सच बताऊं तो एक हौसलों को जो उड़ान कहते हैं